खबरों में अब आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता रहे हैं कि 21 मई की अगर बात कर लेते हैं तो सीएम भूपेश जाएंगे दुर्ग। आपको बता रहे हैं कि साकरा पाटन में भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगे। सारथी ऐप का सीएम शुभारंभ करेंगे। आम लोग विभागीय समस्याओं का जो उनका समाधान है वो पा सकेंगे। ऐप के माध्यम से शिकायतें और समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जन सुविधा के लिए शुरू किया जाएगा ये ऐप। सीएम बघेल भूमिहीन कृषि मजदूरों को बड़ी सौगात देंगे। भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में साल की पहली किश्त जारी की जाएगी। 5,63,576 भूमिहीन कृषि मजदूर होंगे लाभान्वित। हितग्राहियों को 112,71,52,000 रुपये राशि भी वितरित होगी। तो बड़ी सौगात भी यहाँ पर मिलेगी। तो आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा उनका माना जा रहा है। बता दें कि 21 मई को सीएम भूपेश जाएंगे दुर्ग। तो इस वक्त की बड़ी खबर संवाददाता जगजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगजीत, जिस तरीके से 21 तारीख को सीएम दुर्ग जाने वाले हैं और साथ ही साथ जानकारी मिल पा रही है कि ऐप का भी शुभारंभ होगा और साथ ही साथ जो लाभार्थी है उनको भी आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल पद्मन, देखिए मैं आपको बता दूं कि 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन जाएंगे। पाटन उनका विधानसभा क्षेत्र भी है और तमाम कार्यक्रम है जो कल 21 मई को आयोजित किए जाएंगे। देखिए साकरा पाटन में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में सारथी ऐप का शुभारंभ किया जाएगा। ऐप के माध्यम से अब मिली शिकायतों का त्वरित निराकरण भी होगा। इस पूरे ऐप को दुर्ग जिला प्रशासन ने तैयार किया है और सारथी ऐप को अब मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इससे देखिए इस ऐप से फायदे कितने होंगे, देखिए लगातार जो शिकायतें तमाम जो सरकारी योजनाओं को लेकर के सरकारी विभागों में जो हम शिकायत करते हैं उसका त्वरित निराकरण भी होंगे। प्रशासनिक देखरेख में ये पूरा ऐप चलेगा और इसके साथ ही साथ देखिए भरोसे के सम्मेलन में एक जो और भी अन्य जो कार्यक्रम का कल जो शुभारंभ किया जाएगा, जैसे 13 जिलों के राजीव मितान क्लबों को लगभग 7 करोड़ से ज्यादा की राशि मिलने जा रही है। भरोसे के सम्मेलन में राशि का अंतरण किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री भूमिहीन जो मजदूरों को जो प्रथम इस वर्ष की प्रथम किस्त दी जानी है वो लगभग 112 करोड़ से ज्यादा रुपए है जो हितग्राहियों को बैंक के खाते में राशि का अर्हण किया जाएगा और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के 5,63,000 मजदूरों को लाभ दिया जाएगा। देखिए मैं एक बात और बता दूं बद्धुमन की 25 मई 2023 को इस योजना का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया था। ये तमाम कार्यक्रम है जो 21 मई कल के दिन ये मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में शामिल। ठीक है जगजीत, बने रहिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट ली जाएगी। भोपाल का